खबर यूपी से। यूपी के बस्ती में एक परिवार पर दबंगों की दर्दनाक खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। दबंगई की आपको बता दें, घटना 25 मई की है, लेकिन परिवार अभी दबंगों की धमकियां ही झेलने को मजबूर है। और आपको यह भी बता दें कि हालात ऐसे हैं कि पीड़ित परिवार पुलिस के आला अधिकारियों के पैरों पर पड़कर सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन दबंगों की हिम्मत देखिए कि परिवार को लगातार वो अब भी धमकियां दे रहे हैं। आखिर क्यों ये लड़की रोते हुए इंसाफ मांग रही है? आखिर क्यों ये पुलिस के पैर पकड़कर जमीन पर बैठी हुई है? आखिर क्यों प्रशासन चुप है? आपको पूरा मामला बताएं, उससे पहले मारपीट का ये वीडियो देख लीजिए। चार से पांच लोग एक परिवार पर लाठी डंडों के साथ टूट पड़ते हैं। न डर था कानून का, न खौफ था खाकी का, अगर कुछ था तो सिर्फ गुंडागर्दी और अराजकता का माहौल, जिसने इंसानियत की सारी मर्यादाओं को मार दिया था। जमीन की जंग ने कुछ इंसानों को जानवर बना दिया था, जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इंसानियत को मौत के घाट कैसे उतारा जाता है, ये आवाजें बताने के लिए काफी हैं। साथ ही इन आवाजों से इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन गुंडों के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता, और जो मायने रखता है उसके समाज में कोई मायने नहीं है। तस्वीरें एक महीने और 24 दिन पुरानी हैं, जब जमीन को लेकर ये मारपीट हुई थी, लेकिन अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये हाल ही की तस्वीर है, जिसमें एक महिला जिसके हाथ में प्लास्टर है, साथ में महिला का भाई भी है, उसके पैर में भी प्लास्टर है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, जिनसे सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है। और ये विडंबना ही तो है कि खाकी के सामने खौफजदा ये लोग अपनी जान की सलामती की भीख मांग रहे हैं, और एक हिस्ट्री शीटर कानून को ताक पर रखकर लोगों को हका रहा है। चप्पल से मारे, बलचेक से और बल्लम से मारे, इधर देखिए सर फटा हुआ है, कमर में मारे, चल फिरने में बहुत दिक्कत होती है, चल नहीं पाती हूँ। हमारी दीदी का दोनों पैर, दोनों हाथ और सर बढ़ गया, ये कंधा भी हमारी दीदी का टूट गया, हमारी दीदी के छोटे छोटे बच्चे। हालांकि 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, 3 आरोपी जेल में है, बावजूद इसके दबंगों की हिम्मत देखिए कि परिवार को धमकाया जा रहा है। उस पर कमाल की बात ये कि मेन जो आरोपी है उसका नाम है दिलीप सिंह, वो एक हिस्ट्री शीटर है, उस पर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। एक लड़की ने अपने आंसुओं से रो रो कर प्रशासन के पैर धो दिए, और पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। उस मुकदमा तो कुछ दिन पहले का है, जिसमें तुरंत मुकदमा लिख करके और कार्रवाई की गई, कुछ लोग जेल गए हैं, कुछ को माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है। उसके बावजूद भी जो लोग शेष हैं उनके विरुद्ध हमने NBW प्राप्त किया है, 82 कार्रवाई की जा रही है, और शीघ्र गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। जहाँ धमकी की बात है, अगर इस तरह का कोई तथ्य संज्ञान में आएंगे तो हम पुनः मुकदमा लिखेंगे, और पूर्व के मुकदमों में जो भी जिसमें वो जमानत में है, जमानत भी निरस्त कराने की कार्रवाई करेंगे। बस्ती के मदनापुर के गांव में रहने वाला ये परिवार दबंगों के कहर से सहमा हुआ है। परिवार का ये भी आरोप है कि पुलिस हिस्ट्री शीटर के दबाव में है और कार्रवाई करने से रोका जा रहा है। वसीम, बस्ती, न्यूज 24।